सो हाय फ्रेंड, कैसी हो आप सब। सो गाइस, आज हम आए हैं मुंबई और मेरे साथ मेरी फैमिली है, मिनीसी है, कोमल है और मेरे दो बच्चे। तो अभी हम आए हैं मुंबई और इसके पहले का ब्लॉग मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि गाइस बहुत घाई से निकले वहाँ पे और ट्रेन हम विदर्भ एक्सप्रेस में बैठे और अभी सुबह के अभी 6 बज चुके हैं और 6 बजे से मैंने अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर लिया। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं पैदल डायरेक्ट गेट ऑफ इंडिया और वहाँ पे थोड़ा देखेंगे, वहाँ के थोड़ा मज़े लेंगे, फिर बाद में यहाँ से जो हाजेली हो गया या कोई भी यानी जो भी स्पॉट रहेंगे मुंबई के सारे धीरे धीरे सारे विजिट करेंगे। तो जितना भी हो सके आज का ब्लॉग खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइस अभी चलते हैं गेट ऑफ इंडिया और देखते हैं वहाँ का नज़ारा, अभी सुबह क्या नज़ारा होता है और क्या नहीं, क्योंकि मैं भी आज तक सुबह कभी गया नहीं, इसके पहले गया हूँ 4-5 बार और सुबह कभी गया नहीं। चलो अभी वहाँ पे जाके देखते हैं। सो गाइस फाइनली मैं गेट ऑफ इंडिया पे आ चुका हूँ। ये बैक साइड पे आप देख सकते हो गेट ऑफ इंडिया कोमल। तो ये है पूरा मॉर्निंग का सीन। सो अभी देख सकते हो अभी ज़्यादा धूप भी नहीं है और यहाँ पे ताज होटल और इस समय ज़्यादा पब्लिक नहीं है। कोमल है कर और ये अभी यहाँ पे हम आराम कर रहे हैं हमारा बैग उग रख के क्योंकि सुबह का समय है, डायरेक्ट छत्रपति से इधर ही आए। तो सारा व्यू। सो गाइस फाइनली मैं गेट ऑफ इंडिया पहुँच चुका हूँ और आप देख सकते हो गेट ऑफ इंडिया का पूरा सीन है। ये ताज होटल, ये ओबेरॉय होटल और पीछे ये गेट ऑफ इंडिया और यहाँ का मैं आपको सारा लुक दिखाऊंगा और इस साइड समुद्र है वो भी सब कुछ दिखाऊंगा। तो अभी जस्ट हम सुबह के टाइम में आए, हमारा नहाना यानी सब कुछ होने का है क्योंकि सीएसटी में हम पहुँचे। हमने सोचा कि सबसे पहले ये जगह विजिट कर लेते, बाद में बाकी जितनी भी जगह रहेंगे धीरे धीरे सारी की सारी विजिट करेंगे, यानी पूरा मुंबई दर्शन ही करेंगे। तो अभी मैं यहाँ का सारा लुक दिखाता हूँ समुद्र से लेके गेट ऑफ इंडिया। ये हमारे इधर के भीख मांगने बैठे हैं, क्या हो ना? हाँ क्या हो ना, चिल्लर नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पे पूरे कबूतर है पर शायद यहाँ पे जाना अलाउ नहीं है। ये कोमल देख रही है, ये देख सकते हो पास से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे शायद से अंदर जाना मना है क्योंकि पता नहीं यहाँ पे पूरे बैरिकेड्स लगे क्या कोमल। कबूतर को हाथ में पकड़ सकते हैं, अंदर जाना मना है ना। और यहाँ पे ताज होटल जैसे कि मैं आपको दिखाई रहा हूँ जब इसे ओबेरॉय होटल। कबूतर आया एक, तो यहाँ पे पूरे बोर्ड्स है। नेटिक का पूरा माहौल एंजॉय हो रहा है, नेटिक जम के मस्ती चालू है। छुटे जाओ जाओ जाओ। सो गाइस फाइनली हमारा सारा यहाँ पे घूम के हो चुका है गेट ऑफ इंडिया की, यानी हम उस साइड भी गए पर एलिफेंटा नहीं गए क्योंकि गाइस एलिफेंटा को थोड़ा टाइम है और हमने मुंबई दर्शन की टिकट भी करवा के रखी है। तो हमने सोचा कि मुंबई दर्शन करवा लेते फिर वहाँ से और एक दो जगह विजिट करना है और वो सभी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे कि मुंबई का चोर बाजार हो गया और ग्रैंड मार्केट ऐसी जितने भी मार्केट्स है वहाँ पर भी जाएंगे, वहाँ पर भी विजिट करेंगे। तो अभी यहाँ का पूरा हो गया, एक बार आप व्यू देख सकते हो मेरे पीछे में गेट ऑफ इंडिया और ये पूरा वहाँ का ही सीन है और ओबेरॉय होटल, ताज होटल और एक
प्रॉब्लम आ रही है कि मैं अपना जैसे ही ब्लॉग शूट कर रहा हूँ तो धूप के कारण ऐसा हो रहा है कि मेरा मोबाइल में एकदम ब्लैक स्क्रीन आ जा रही, तो मुझे कुछ खुद की भी शक्ल नहीं दिख रही कि मैं कैसा शूट कर रहा हूँ कैसा नहीं। और कई बार मुझे कुछ नहीं नहाया, कोमल ने भी नहीं नहाई, मैंने भी नहीं नहाया और ये दोनों ने भी नहीं नहाया। और अभी यहाँ से हम जाएंगे मुंबई दर्शन में, तो हाजी अली के पास रुकेंगे, फिर वहाँ पे सब हम नहाएंगे, खाना उना खाएंगे, फिर बाद में जितना भी कुछ है आपको सब दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ से चलते हैं डायरेक्ट मुंबई दर्शन। तो 11 बजे बस आने वाली, तो अभी हम बस का वेट कर रहे हैं और अभी हम यहाँ से निकलते हैं और तो थोड़ा वेट करते हैं बस का। तो चलिए अभी इंडियन के साथ ही ब्रिटिश कुत्ते पिक्चर देखे, ब्रिटिश कुत्ते पिक्चर देखे। बिल्डिंग है साइंस कॉलेज। तो गाइस फाइनली हम मुंबई दर्शन पे बैठे हैं और वहाँ पे कुछ कुछ स्पॉट ऐसी हो रही कि जो नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं, क्योंकि कैमरे में मैं कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जिस साइड में यानी जो स्पॉट आ रहा है तो मैं लेफ्ट में बैठा हूँ, तो मेरे को राइट के यानी बराबर कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल हूँ मुंबई मंत्रालय बैक ऑफिस में, मैं आपको फ्रंट से भी दिखा दूँगा, तो जितना हो सके सारा कैप्चर करूँगा, जहाँ जहाँ उतरूँगा वो सारा कैप्चर करूँगा। और हाँ गाइस, कि आज के टूर में और मेरा मुंबई दर्शन जितना भी कुछ रहेगा, जितना भी खर्चा रहेगा, मैं आपको सारा का सारा यानी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा एंड आखिरी में भी आपको बताऊंगा। अगर आप कभी आओगे मुंबई में तो आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएंगी और कौन कौन सी चीज़ की सावधानी बरतनी है। तो बड़ी बिल्डिंग है हाँ ये, हाँ हाँ डिज़ाइन भी बहुत ज़बरदस्त दिख रही है। इस साइड में है मंत्रालय, आप देख सकते हो झंडा है हमारे भारत का और मंत्रालय मुंबई का मंत्रालय है। तो यहाँ पे पेड़ पौधे बीच में आ रहे, उसके कारण थोड़े यानी क्लियरली शॉट नहीं आ रहे और वहाँ पे हम जा भी नहीं सकते, तो इसलिए मैं यहाँ से ही शूट ले रहा हूँ। हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जब मुंबई थे तो हमारे में रुके थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट, जिस नाम से कोई नहीं जानते। और राइट साइड में देखना आने वाले, राइट साइड में दो बिल्डिंग के यात्री। सो गाइस फाइनली मैं अभी मरीन ड्राइव आया हूँ और आप देख सकते हो यहाँ का नजारा, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। अरे कोमल आ रही है यहाँ से, हाय कर कोमल। अभी आए मरीन ड्राइव में, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत हम फोटो शूट की करेंगे, यहाँ से आपको दिखाता हूँ ये अंग्रेजों के पत्थर जो कि बहुत पुराने, इसका इतिहास तो मुझे भी नहीं पता, तो एकदम खूबसूरत नजारा है यहाँ का, मजा आ गया। अभी यहाँ पे हम दो तीन वीडियो शूट करते हैं इंस्टाग्राम पे डालने के लिए, और जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो कर लीजिए, तो आज के जितने भी रील्स रहेंगे मैं उधर ही बनाने वाला हूँ। नैतिक हाइगर है, इन अभी फोटोग्राफी चालू है, चलो मैं भी एक दो रील्स बना लेता हूँ। और ये बैक साइड का, और यहाँ पे वानखेड़े स्टेडियम भी है, वो भी आपको दिखाऊंगा। इसका पोज देना चालू है, इसको पता नहीं कि इसके पोज क्या है, यानी फोटो खींच रहा है कि वीडियो ले रहा है। चल चल के अभी यहाँ से ले, देखिए यहाँ से आपको जो बिल्डिंग के गैप से दिखाई देगा, बिल्डिंग सामने देखिए दो बिल्डिंग के गैप से ग्रे कलर की, वो देखिए सामने और यहाँ से देखेंगे तो पूरी बिल्डिंग आपको नजर आएगी। राइट साइड में देखिए, सामने देखिए एंट्री लेआउट,
है ना। अभी आगे मत देखिए, आगे मेरा बिल्डिंग आ रहा है। ये हमारी बस कोमल, कहाँ जा रहे अपन? नेहरू साइंस। चलिए चलते हैं अंदर, क्या है देखते हैं। तो गाइस फाइनली मैं नेहरू साइंस में आ चुका हूँ, और साथ ही साथ मैं सुबह से अभी तक मैंने कुछ भी नहाया नहीं, कुछ भी सुबह से हम घूम ही रहे हैं। तो अभी देख सकते हो इंटर हो चुके हैं, और यहाँ पे छोटे बच्चों की झूले की है, और यहाँ पे यानी यहाँ पे सब कुछ हम स्टार्ट किया है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं अंदर, क्या क्या है सब देखते हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, और क्या फन होता है और क्या क्या होता है ये कुछ भी आइडिया नहीं है। अंदर चलते हैं और सारी जगह विजिट करते हैं, फिर देखते हैं क्या है क्या है। ये क्या है, ऊपर कुछ नहीं है। ये बंद हो चुका है, करंट है उसमें। ये जो अर्थिंग हो रही है अपना पावर सप्लाई रहता है ना। हाँ। ये देख क्या है, नीचे से हाथ लगा। अरे बाप रे, दिखा दिखा तेरा हाथ कैसी दिख रहा। गाइस ये कोमल का हाथ है, ये देखिए। ले स्पीड ले ले। तो गाइस फाइनली बहुत सारे गेम हम खेल चुके हैं वहाँ पे, और अभी जा रहे हैं हम साउथ एंड हेडिंग। तो वहाँ पे जा रहे हैं, वो मेरी शक्ल इतनी बेकार दिख रही को इसकी किसी ने नहीं लाया। तो अभी यहाँ पे जा रहे हैं हम, और देखते हैं अंदर क्या क्या सीन है और क्या क्या सीन नहीं है। चलो अंदर का पूरा अभी छूट लेते हैं। नेक्स्ट तो अभी चलते हैं, ये क्या लिखा है, मैजिक टू थिंग। तो देखते हैं अभी क्या क्या है। चलो कोमल, देखते हैं अभी इसके अंदर क्या है। Thank you.
बजे का हमारा टाइम हो चुका है, तो इसके कारण हमको जल्दी जल्दी कोई स्पॉट लेना पड़ रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ, तो यहाँ से मैं अभी भूलभुलैया में जाता हूँ और आप जितना हुआ शूट हो चुके उतना शूट करता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ और ऐसा ना हो जाए कि मेरी बस मिस हो जाए और मुझे ऐसी दूसरी गाड़ी ले जानी पड़े। तो यहाँ से मैं अभी जल्दी जल्दी पूरे अपने सारे शूट ले लेता हूँ। कोमल, ओ मेरी जान। तो फाइनली जाते हैं अभी फूल भुलैया। तुझा खरच भटकून आलो मी तर सच में भटक गए क्या? निकल गए क्या वापस? तो गाइस बड़ी मुश्किल से निकले हम बाहर और अभी देख सकते हो भूलभुलैया है मेरे पीछे और वापस जस्ट अभी हम बाहर निकले कुआं मिला। अभी देखते हो और आगे क्या है। बहुत यानी बहुत प्रॉब्लम हो गई थी घूमने में। सो फाइनली गाइस मैं बाहर आ चुका हूँ और थोड़ी बहुत जगह प्रॉब्लम हो गई थी कि वहाँ से मैं शूट नहीं ले पाया और कोमल भी थी साथ में और बस वाले में थोड़ी यानी जल्दी घाई चालू थी, उसके कारण मुझे जल्दी जल्दी ब्लॉग बनाना पड़ा। तो अभी मेरा बस वाला मेरे को ऐसी आवाज़ दे रहा है, तो चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट स्पॉट कौन सा है तो देखते हैं। जैसा कि घर में दो बंगले हैं लेकिन रेखा जी के एरिए में दो बंगले, ये बड़ा बंगला है लेकिन आगे दादा सर छोटे छोटे भाड़े पे देती है और एक ही छोटे बंगले जो आगे से लेके उस बंगले का के लेफ्ट साइड में आ रहा है। देखिए राइट साइड पे देखेंगे और एक लकड़ी का गेट आ रहा है, विपासना बंगले का नाम है, स्मरण अक्षर का बंगला आपके राइट में। इस एरिया में गाड़ी हमारी इधर कर चुकी है, ये बैंड्रा का सबसे बड़ा लंबा स्थान है बैंड्रा बेंच में। बंगला एक बार फिर देखना तो राइट में देखते हुए जाइए,
आपके राइट साइड में आ रहा है। Come on.